हमारे भारत देश का इतिहास जितना लंबा है उतना ही गहरा भी है। वहीं इन्हीं गहरे इतिहासों के बीच बिहार का इतिहास ही कुछ अलग है। और फिर बिहार में 100 सालों में उसने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। वहीं बता दें कि इन्हीं उतार चढ़ाव को देखने परखने में मोदी जी अपनी सौगात देने वाले हैं। हालांकि बता दें कि फिलहाल मोदी बिहार और झारखंड दौरे पर रहेंगे। वहीं बिहार में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी यह पहली यात्रा होगी। वहीं पीएम मोदी बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधानसभा के मौजूद सदस्य, पूर्व सदस्य, सांसद और पद्मश्री जैसे नागरिक सम्मानों से सम्मानित करीब 1700 लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को देखते हुए पटना में सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई सड़क मार्ग बंद कर दिया गया है। पटना के चिड़ियाघर और इको पार्क को पर्यटक के लिए बंद कर दिया गया है ताकि वहां जाकर मोदी उनका लुफ्त उठा सके। जानकारी के लिए बता दूं कि नरेंद्र मोदी पटना में तकरीबन 1 घंटे 45 मिनट तक रहेंगे। साल 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की यह पहली यात्रा होगी। साथ ही पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा परिषद में आने जा रहा है। ऐसे में यह अपने आप में ही एक ऐतिहासिक पल होगा। इसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से सीधा विधानसभा परिषद जाएंगे। वहीं वो जाकर विधानसभा परिसर में 2.59 करोड़ रुपये की लागत से बने 40 फीट ऊँचे शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण भी करेंगे और साथ ही पौधारोपण का कार्यक्रम भी करेंगे। बाकी क्या लगता है आपको, क्या होगा बिहार के विधानसभा परिसर का, हमें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।